खंडवा जिले में औसत से अधिक बारिश होने से फसलें खराब हुई, जिससे नाराज किसान ने शासन प्रशासन से मांग की है कि दीपावली से पहले सर्वे कर उन्हें मुआवजा दिया जाए। खंडवा जिले में एक सीजन में औसत बारिश का आंकड़ा 808 मिलीमीटर है, लेकिन इस वर्ष अब तक 1150 मिलीमीटर से अधिक बारिश हो चुकी है। दशहरा के बाद से लगातार बारिश ने फसलें चौपट कर दी है। किसानों का कहना है कि सोयाबीन की फसल कटने की स्थिति में है, लेकिन बारिश की वजह से खेतों में अभी पानी भरा हुआ है। अब जल्द सर्वे हो और किसानों के नुकसान की भरपाई की जाए। वहीं किसानों का कहना है कि हम मजदूरों से उपज आधी आधी बांटने को तैयार हैं, लेकिन खेतों की स्थिति को देखते हुए मजदूर फसल की कटाई करने को तैयार नहीं है। आशंका है कि कहीं पूरी उपज खेतों में ही ना सड़ जाए। आधा सोयाबीन निकाल के दे दो, मजदूर बोले कि नहीं भैया इसमें हमको क्या मिलेगा, तो ना मजदूर काटने को तैयार है, ना वो कीचड़ में हमारे को कोई लग रहा है कि कोई इसमें फल्ली निकलेगी कि दाने निकलेंगे, फसल नष्ट हो चुकी है। अब किसान को लागत तो लगभग फसल में 50% लगती है सर, मेरा अनुमान है, मैं भी किसान का बेटा हूँ, किसानी कर रहा हूँ, तो 50% तो लागत लगती है। अब उपज 20% मिलेगी तो 30% का घाटा, और जो आस बनी थी कि अपन बाजार दीपावली का करेंगे, बच्चों के लिए लाएंगे फटाके जो भी है, घर राशन पानी, तो आप तो किसान हो गया मजबूर, क्योंकि किसान की आदत है कि दवा खरीदना पड़ता है, जब भी बोल देता है कि सोयाबीन आया कि दियो, किसान की आदत ये है, अब कर्जे में गड़ा हुआ है। अब शासन की मंशा क्या है कि बोलने को तो बहुत है, पर अगर कभी थोड़ा बहुत ऊँट के मुँह में जीरा। किसान संघ के प्रतिनिधि मंडल ने बीते दिनों कलेक्टर से मुलाकात की, जिसके बाद अनावादी के आधार पर प्रयोग सर्वे करने के लिए कृषि विभाग और राजस्व टीमों को खेतों में उतारा गया, जहां 5x5 प्लॉट के आधार पर उत्पादन का अनुमान लगाया जा रहा है। मैं कृषि विभाग से हूं, ग्रामीण कृषि स्तर अधिकारी, ये मेरे क्षेत्र के अंतर्गत ही है, सिरपुर बाड़ा वगैरह। तो कलेक्टर साहब के आदेश है कि जो अतिवृष्टि हुई है, ज़्यादा पानी गिरने से फसलों को भी मतलब थोड़ा प्रभावित हुई है, इसलिए हम लोग खेतों में जाके सर्वे वगैरह देख रहे हैं, और इसको उत्पादन में जो कमी हो रही है इसको देखने के लिए 5x5 का हम लोग प्लाट डालते हैं, उससे जो उत्पादन आता है वो हम डाटा सरकार को भेज देते हैं, और उसके बाद वो सरकार निर्णय लेती है कि क्या करना है। प्रति हेक्टर मतलब इसमें 8 क्विंटल 70 किलो के करीब रहता है, जो प्रति हेक्टर है ये 100% आने आ रही होगी। अच्छा। और कभी इससे कम आता है तो फिर मुआवजा वगैरह या फिर बीमा कंपनी देती है। एक गांव में ज्यादा से ज्यादा 2 जगह से करते हैं। अच्छा अच्छा। उससे एक एवरेज निकल जाता है। अभी तो मतलब अतिवृष्टि ज्यादा हुई है, ये खेतों में भी अपन देख रहे हैं कि पानी भरा हुआ है,